हमीरपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एवं नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का मेडिकल कॉलेज को लेकर की गई बयानबाजी पर बीजेपी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए सुक्खू को सपने ना देखने की नसीहत दी है। अग्निहोत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का काम फेजेस में चल रहा है और जल्द ही जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज के अलावा अस्पताल भी बनेगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सपने तो माधुरी दीक्षित के सभी देखते थे, लेकिन डॉक्टर नैने उसे लेकर चले गए, इसलिए सुक्खू को चाहिए कि वे सपने देखना छोड़ दें। हमीरपुर में बनने वाले मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष एवं नदौन के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू का मेडिकल कॉलेज को लेकर की गई बयानबाजी पर बीजेपी के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं एचआरटीसी निगम के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय अग्निहोत्री ने जवाब देते हुए सुक्खू को सपने ना देखने की नसीहत दी। अग्निहोत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज का काम फेजेस में चल रहा है और जल्द ही जोलसप्पड़ में मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि सपने तो माधुरी दीक्षित के सभी देखते आए हैं, लेकिन लेकर तो डॉक्टर नैने चले गए, इसलिए सुक्खू भी सपने देखना छोड़ दें। मेडिकल कॉलेज कब आया, क्यों, कैसे आया, ये बहुत प्रासंगिकता का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि पिछले 4-5 वर्ष तक जब ये कॉलेज की घोषणा हुई थी, उसके पश्चात वीरभद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार इस प्रदेश में थी, उस समय क्या काम हुआ उनको ये बताना चाहिए। नंबर दो, केंद्र में लास्ट अगर अंतिम शांत से गिन रही अंतिम दिन में कोई कागज पे साइन करके चला जाए, उससे पत्थर से कुछ पैदा नहीं होता। इस करके इसके ऊपर जो सारा काम हुआ है, एक पैसे से लेकर आज तक का जितना बजट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए आया है या नाहन के लिए, चंबा के लिए आया है, वो सारे का सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार के समय में और जेपी नड्डा जी के स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद सारा एक पैसा आया है। उसके बाद इस यहाँ की जो लैंड की क्लियरेंस है, वो सारी जमीन की क्लियरेंस भी भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के समय में हुई है। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में और प्रदेश में होने के समय में ही इसका शिलान्यास हुआ है। अब इनकी तो पुरानी आदत है, जैसे जब वाजपेयी जी रोहतांग टनल का शिलान्यास करने आए तो कांग्रेसी बोलते थे कि ये सपना तो इंदिरा गांधी का था, तो सपने लेने से कोई चीज़ बनती नहीं है, सपने साकार करने के लिए बहुत मेहनत और बहुत झील की आवश्यकता होती है, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिखाई है, जिसके कारण से आज ये सारा फलीभूत होने जा रहा है। और जहाँ तक ये काम की बात है, तो काम फेजेस में चलता है, बड़ा काम होता है उसके लिए थोड़ा सा समय भी लग जाता है। अभी बाउंड्री वाल का इसका लगभग फाइनल स्टेज पे है, बाउंड्री वाल लगनी शुरू होगी और बाउंड्री वाल के पश्चात इसका सारा दूसरा प्रोसेस भी साथ साथ चल रहा है, वहाँ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का काम भी शुरू हो जाएगा, बाकी चीज़ें भी। और हमारा तो ये प्रयास है, और वैसे भी CPWD और बाकियों ने ये कहा है कि हमीरपुर में इतने ज़्यादा मंजिल वाला अस्पताल नहीं बन सकता, वहाँ जमीन नहीं है, तो अस्पताल भी जोलसप्पड़ में बनेगा, ऐसे प्रयास चल रहे हैं और इसके लिए लगभग सहमति बन रही है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी बोलने को कि किसने सपना देखा, सपने तो सारे माधुरी दीक्षित के देखते थे, लेकिन तो डॉक्टर नैने गए, तो ऐसे होता है कि उसको अपना अमली जामा पहनाना, किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदलना, उसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता होती है, जो हमारी सरकारों ने की है। आपको बता दें कि पहाड़ी एल्बम के रिलीज के दौरान पहुंचे विजय अग्निहोत्री ने पत्रकारों के साथ बातचीत की। बीजेपी मंत्रियों के पत्र बम पर अग्निहोत्री ने कहा कि कांग्रेस के पुराने कल्चर के कारण ही कांग्रेस नेता बयानबाजी में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई नई योजनाएं आ रही हैं और आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, इसलिए कांग्रेस के लोग हर वक्त नकारात्मक तलाशने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी एकदम से वेंटिलेटर पर चली गई हो, उसका दोबारा जिंदा होने के चांस बहुत कम हैं। ये उनका पुराने अपने कल्चर में, जो जिस कल्चर में वो पले बड़े हैं, उस कल्चर के कारण से उनको ऐसा लगता है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी में सारे काम पारदर्शिता से होते हैं, और पारदर्शिता कोई ऐसा कोई भी व्यक्ति पत्र बम का सहारा लेके या कुछ करके कुछ बोलने की कोशिश करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पार्टी, हमारी सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है, और मोदी जी के नेतृत्व में और जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है, नई नई योजनाएं आ रही हैं, और इस प्रदेश में पुराना सारा जो कार्य संस्कृति को एक खराब करने वाला काम हुआ था उस सबको ठीक करने का काम किया जा रहा है। आम जन, आम व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंच रही हैं, आम व्यक्ति सरकार के साथ जुड़ रहा है, और इसी करके इनको ये लगता है कि कोई ना कोई इश्यू हमें मिल जाए, उस इश्यू के कारण से हम ज़्यादा फिर सर्वाइव कर जाएं, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि जब व्यक्ति जो पार्टी एकदम से वेंटिलेटर पर चली गई है, उसको उसकी सर्वाइवल के चांस बहुत कम है। कांग्रेस के द्वारा बीजेपी सरकार में हमीरपुर की अनदेखी के सवाल पर अग्निहोत्री ने कहा कि अपने कांग्रेस के कार्यकाल में मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह कितने दौरे करते थे ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पूरे प्रदेश का विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि नदौन विधानसभा क्षेत्र में ही सीएम ने जो घोषणाएं की थी वे एक साल में पूरी हुई हैं। हमीरपुर की अनदेखी घूमने से नहीं हो रही है। मैं उनसे जो ये बोल रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे, तो मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में से मैं बिलोंग करता हूँ, नदौन विधानसभा क्षेत्र में, उसमें 5 साल में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी 2 घंटे के लिए आए थे, 5 साल में 2 घंटे। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं, हर जगह काम कर रहे हैं, और इस जिला से आज चाहे वो इसमें कौशल विकास के समय जो कोऑर्डिनेटर बनाने की बात है, चाहे वो कांगड़ा के जो भूमि विकास बैंक में चेयरमैन कमल नैन जी को बनाने की बात है, चाहे वो अन्य नियुक्तियों की बात है, हमीरपुर कहाँ पीछे है। और यहाँ के जो भी, मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी का बताता हूँ, जो मुख्यमंत्री ने घोषणाएं की थी 1 साल के अंदर सारी फलीभूत हुई हैं, सारी जमीन पर उतरी हैं, चाहे वहाँ पटवार सर्कल खोलने की बात थी, चाहे वो साइंस क्लासेस शुरू करने की बात थी, चाहे अथोल के पुल बनाने की बात थी, वहाँ की सड़कों की मरम्मत की बात थी, चाहे वो जो विकास के काम हमने बताए थे वो हो रहे हैं और बाकी भी आने वाले दिनों में होंगे। और ऐसा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के समय में ही हमेशा हमीरपुर में विकास हुआ है, चाहे वो ठाकुर जगदेव चंद जी का समय हो, चाहे वो प्रेम कुमार धूमल जी का समय हो, चाहे अब जयराम ठाकुर जी का समय है, हमीरपुर का विकास हमेशा भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ है। प्रदेश में नए बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर उनके नाम की चर्चा पर उन्होंने कहा कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक नहीं है, और बीजेपी ऐसी पार्टी है जिसमें पोस्टर लगाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए किसी का नाम चलाना बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें पोस्टर लगाने वाला कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, इस करके किसी का नाम चलना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो प्रदेश का नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व बैठकर जिस नाम पे मोहर करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा, और उसके नेतृत्व में हम सब लोग काम करेंगे। मैं कोई ऐसा इसमें कैंडिडेट नहीं हूँ, ना मैं बहुत ज़्यादा इसके लिए मैं इच्छुक हूँ। इस करके हमारा सिर्फ कमल का फूल ही एक नेतृत्व होता है जो जिसको मानकर सब लोग चलते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।